नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, CAA कानून जो अभी आया है, जो नोटिफिकेशन आ चुका है 11 मार्च को, इस पर पाकिस्तान और अमेरिका से बहुत ही बड़ी एक प्रतिक्रिया आ रही है, जो ये स्वाभाविक था पाकिस्तान से आना, लेकिन अमेरिका से आना स्वाभाविक नहीं था, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इस पर हालांकि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने बहुत ही अच्छा इसको जवाब भी दिया है इन लोगों को, अमेरिका को तो खास करके जवाब दिया है कि आप इसको देखिए। आइए समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या और किसने क्या बात बोली है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जी हैं, मुमताज जहरा जी, इन्होंने ये बात बोली है कि भारत में जो CAA आया है कानून, इस कानून के तहत असमानता है, ये धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है, इससे लोगों के अंदर डर पैदा होगा, ऐसा उनका मानना है, उन्होंने इस पर बोला है। लेकिन आपको बता दें, और एक बात और उन्होंने बोली है, उन्होंने ये बोला है कि इससे पाकिस्तान की छवि ख़राब करने की कोशिश कर रहा है भारत, कि यहाँ पर अब संख्यकों की जो हालत है बहुत ही ख़राब है। लेकिन दोस्तों, इसमें तो सच्चाई है कि अल्पसंख्यकों की हालत वहाँ पर बहुत ख़राब है। हिंदू जब पाकिस्तान बना था, उस वक्त हिंदू की संख्या वहाँ पर डबल डिजिट में हुआ करती थी, जो आज के समय सिंगल डिजिट में आ गई, यानी कि पहले 22% हुआ करती थी हिंदुओं की संख्या, अब वहाँ पर हिंदुओं की संख्या 3% के आसपास आ चुकी है। ऐसा ही बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी यही है, लेकिन जो प्रतिक्रिया आई है वो पाकिस्तान से आई है। आपको बता दें कि ऐसे ही प्रतिक्रिया आई है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने बोला है कि भारत को इस तरह के कानून से बचना चाहिए और धर्म के आधार पर कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए। तो आपको बता दें कि उनके जो विदेश मंत्रालय ने बोला, उस पर हमारे यहाँ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि अमेरिका को पूरी जानकारी ही नहीं है कि भारत के इतिहास में हुआ क्या है, भारत में बंटवारा जो हुआ उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो शायद इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उनको भारत की पूरे इतिहास की जानकारी होती तो वो इस चीज़ से बोलने से बच रहे होते। उनको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो हिंदू गए हैं वो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, और उनको उत्पीड़न जो उनके साथ हो रहा है उसी को हमें काउंटर करने के लिए हमें ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी की नागरिकता लेने का कानून है। खैर, इस बात को तो पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये जो कानून आया है इससे नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता ली नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने हिंदू जो रह रहे हैं वहाँ पर उनसे भी बोला है कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, और साथ ही साथ उसने जो मुसलमान इंडिया में रहते हैं उनको भी बोला है कि आप इसका डरिए नहीं, आपकी जो भी नागरिकता है उसको छीनी नहीं जाएगी इस कानून से। ये बात तो पाकिस्तान भी बोल रहा है, फिर ये चीज़ यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको बता दें, फिर भी विपक्ष इस पर पूरे देश में विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ जगह छोटी मोटी हिंसा भी देखने को मिली है, धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि इस कानून का विरोध, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गलत कानून है। आप इसको जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें कहीं भी कानून में नहीं बताया गया कि किसी की नागरिकता को छीना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि नागरिकता दी जाएगी किसको, अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ के अल्पसंख्यक कौन है? मुसलमानों को छोड़कर सब वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि ये तीनों इस्लामिक देश हैं और भारत एक सेकुलर देश है। सेकुलर देश का मतलब जहाँ पर सब लोग रहते हैं। तो जो अल्पसंख्यक वहाँ पर हैं 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उनको भी तो कोई बचाने वाला होना चाहिए, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो भारत ने बस एक पहल की है कि जो वहाँ पे अल्पसंख्यक लोग रहते हैं वो भारत में आ सकते हैं और भारत की नागरिकता को ले सकते हैं। इसमें कमी कहाँ है, बुराई कहाँ है, समझ में नहीं आता। भारत के लोग क्यों इसमें नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, वो भी कुछ सेक्शन है जहाँ पर नाराज़गी है, बाकी तो मेजोरिटी जो पीपल हैं वो तो खुश हैं इस कानून से कि चलो अल्पसंख्यक लोग वहाँ पर जो हैं उनको यहाँ पे एक नई पहचान मिल जाएगी, उनको एक नया देश मिल जाएगा, उनको नागरिकता मिल जाएगी, ये तो अच्छी चीज़ है। और उम्मीद है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की बहुत ही अच्छा जवाब मिल गया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से। ओके दोस्तों, अब इससे जुड़ी हुई और भी कोई डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।